गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या आवाज़ हमारी आप तक जा रही है या नहीं? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ आवाज़ यदि आ रही है बच्चों तो ज़रूर बताओ। एवरीथिंग इज़ ओके, क्लास स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी भी थोड़ा सा जुड़िए। क्लास थोड़ा डिले है ना आज। क्लास लगभग हमें लग रहा है कि 15-16 मिनट 20 मिनट के आसपास, 20 मिनट्स क्लास डिले। कोई बात नहीं बच्चों, चलिए आप सभी का स्वागत। देखें कौन कौन बच्चे जुड़े हैं। निक्की महाराणा, वेरी गुड, वेलकम बच्चों। संतोष कुमार मंडल, गुड इवनिंग सर। अंकुश, गुड इवनिंग। निधि सिंह, शालिनी सिंह, रोहित कुमार, संतोष कुमार मंडल, दौलत राज, और कौन बच्चे हैं, आरकेएम ब्लॉग। चलिए आप तमाम बच्चे जितने भी लाइव हो चुके हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन। और बच्चों इसी बीच आज हम लोग रीजनिंग का अभ्यास करें और 30 प्रश्न आप सभी को बनाना है। और बनाने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि बच्चों आज जो 30 के 30 प्रश्न हैं वे सभी के सभी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था, आप सभी को याद होगा, यूपी पुलिस। कौन सा एग्जाम? यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था बच्चों। और जैसा कि आपको यह भी पता होगा कि यह एग्जाम कैंसिल हो चुका है ना, और कुछ ही दिन बाद यह एग्जाम होगी, इसके लिए आप तैयार भी होंगे। तो आज उन्हीं यूपी पुलिस जो कैंसिल हो चुका है उन्हीं का सारा क्वेश्चन है बच्चों। तो लगभग 30 प्रश्न आपको अभी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं सेशन। और स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा और आप सभी बच्चे बनाने की जी तोर कोशिश करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों दिख रहा होगा और आप सभी उसे देखिए, समझिए और बनाइए, और देखते हैं किस किस बच्चों का उत्तर मुझे सही मिल पा रहा है, किन किन बच्चों का उत्तर हमें सही मिल पा रहा है ये देखना है। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन किया जाए जिसमें आपका रेक्टेंगल यानी आयत प्रशिक्षित नर्स के बारे में बता रहा है, सर्कल वृत्त जो है वो विवाहित जनसंख्या के बारे में बता रहा है बच्चों, और ट्रेंगल यानी त्रिभुज जो है वो अस्पताल में नर्सों की संख्या को डिनोट कर रहा है। अस्पताल में नर्सों की संख्या कहता है संख्या 7 से किस चीज को आप डिनोट कर सकते हैं, यानी संख्या 7 क्या बता रहा है। उत्तर आना शुरू। संतोष कुमार मंडल कर रहे हैं डी, निधि सिंह डी, और भी कोई बच्चे जिसका उत्तर आ सकता है? शालिनी सिंह सी, ओके वेरी गुड। और कोई बच्चे? और जितने भी बच्चे हैं प्लीज हमें बताने की कोशिश करें। पुष्पा कुमारी डी, वेरी गुड। हिमांशु सी, शानदार। और कोई बच्चे हिम्मत करो इस सवाल को बनाने का बच्चों, क्योंकि आप सभी से बनेगा तभी बात बनेगी। निक्की कुमार, ओहो निक्की महाराणा सी, ओके वेरी गुड। शालिनी सिंह सी, प्रियांशु कुमारी, आजकल तो लड़का लड़की बन रहा है और लड़का लड़की बन जा रहा है, गजब है। बताइए लड़का लड़की का नाम प्रियांशु, लड़की का नाम, लड़का का नाम निक्की। अभी देखिए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। चलिए कोई बात नहीं है, आप सभी बुरा नहीं मानेंगे, जिसका भी नाम है जो भी, बुरा नहीं मानना, बस यूं ही थोड़ा सा बोल लेते हैं मजाक के तौर पर। चलो बच्चों देखो 7 हमें क्या बता रहा है, 7 है कहाँ? तो 7 देखो किस किस फिगर को टच कर रहा है, तो 7 देखने से लग रहा है कि वो वृत्त के अंदर में भी आ रहा है और वो 7 त्रिभुज के अंदर में भी आ रहा है या नहीं बच्चों? 7 कहाँ कहाँ जा रहा है? त्रिभुज में भी और वृत्त में भी जा रहा है, लेकिन इसको यानी वर्ग या आयत जो भी कहें उसको टच नहीं कर रहा है। तो वृत्त क्या डिनोट करता है बच्चों? वृत्त डिनोट करता है विवाहित जनसंख्या को, और ट्रायंगल डिनोट करता है अस्पताल में नर्सों की संख्या, अस्पताल में नर्सों की संख्या। तो नर्सों की संख्या यदि देखा जाए तो 7 और 5 है ना, ये दोनों दिख रहा था बच्चों सर्कल के अंदर में, सर्कल के अंदर में मतलब ये ट्रेंगल में। अच्छा हमें तो 7 के बारे में बताना है ना, तो 7 बच्चों इस दोनों से क्या निष्कर्ष आप निकाल सकते हो ट्रेंगल और वृत्त से?
तो आप कहेंगे ये 7 डिनोट करता है अस्पताल में नर्सों की संख्या, नर्सों की संख्या डिनोट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ यदि वो सर्कल में चला गया तो इसका मतलब वो नर्स क्या है, विवाहित है। वो नर्स क्या है, विवाहित है। इसका मतलब बेस्ट आंसर होना चाहिए अस्पताल में जो विवाहित नर्स है उस चीज को डिनोट कर रहा है। तो जो बच्चे सी आंसर लगाए दैट इज वेरी गुड, है ना, बिल्कुल आंसर होना चाहिए बच्चों आपका सी। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा वेन डायग्राम का, और देखते ही सभी बच्चे उत्तर इसका भी लगा दीजिए जल्दी से। निम्नांकित में से कौन सा आरेख भारत गुजरात सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? गुजरात, भारत, सूरत। अंकुश कुमार का आंसर डी आ चुका है, सोनू प्रजापति डी, हिमांशु डी, संतोष कुमार मंडल डी, विद्या डी, ओके सुरुचि सिन्हा डी। चलिए सभी बच्चों का डी, शानदार, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो सिंपल सी बात है बच्चों, गुजरात, ये भारत हमारा एक देश हो गया, गुजरात राज्य हो गया और सूरत उस राज्य का जिला हो गया, यानी एक दूसरे के अंदर समाता जा रहा है। सबसे बड़ा हमारा होगा ये भारत, भारत के अंदर में होगा बच्चों गुजरात, और गुजरात के अंदर में होगा सूरत। नहीं, हैज द कंफर्म आंसर इज डी, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी बच्चों का। चलिए इस प्रश्न में ढूंढिए और जवाब दीजिए, ढूंढो और जवाब दो, बनाओ। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। जो शब्दों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, जो बन सकता है, यानी इसी में से आपको लेटर चुनना है और लेटर चुन के इनमें से कौन वर्ड का निर्माण कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। तो देखा जाए तो बच्चों क्या सबमिट बना सकते हैं, एस यू मिल गया, डबल एम भी है मिल चुका है, आई है क्या, इसमें आई है नहीं, इसका मतलब ये नहीं बन सकता है, राइट। ए डबल एस, ए भी है क्या, एस दो बार है नहीं, यानी बी भी नहीं बन सकता है। आर ई टी, आर है आर भी है, ई भी है, टी भी है, आर ई टी मिल गया। यू एन ई डबल एस, यू यू एन, एन भी है ना, क्या ई दो बार है बच्चों, हाँ है दो बार, तो ई मिल गया। और उसके बाद एस, मुझे लग रहा है सी ही होना चाहिए, कंफर्म आंसर ये बच्चों सी, यानी सी में जितने भी लेटर हैं वो सभी के सभी आपको इसमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड आप इससे बना सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दो जल्दी से बच्चों। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? बेहतर बेहतर कमेंट, थोड़ा अच्छे अच्छे ढंग से करिए, कमेंट भी पढ़ें, कौन कौन बच्चा किस किस वैरायटी का आज कमेंट करता है। आज आप सभी के कमेंट को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, यदि आप कुछ अच्छी बातें लिखेंगे तो, और पढ़ेंगे उसी अंदाज में जिस अंदाज में आप लिखेंगे, क्योंकि पढ़ने का अंदाज भी होता है बच्चों, है ना, कविता को कविता की तरह, संगीत को संगीत की तरह, है ना, सब चीज का पढ़ने का कुछ तरीका होता है। वेरी गुड, शाबाश सभी बच्चों का। देखो पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वां, बाएं से रैंक कितना 17वां, और दाहिने से रैंक उसका बता रहा है 19वां, कर पंक्ति में कितने। तो बच्चों जब कभी भी किसी एक व्यक्ति का बाएं और दाएं दोनों तरफ से रैंक पता हो और टोटल संख्या पता करना हो, तो दोनों तरफ के रैंक को जोड़ के और एक अपनी मर्जी से क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। आंसर मुझे लग रहा है क्या होना चाहिए, सी 35। सभी बच्चों का आंसर तैयार, वेरी गुड। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाइए और इस प्रश्न में ब्रेन लगाकर बताइए कि क्या आपका सही है या फिर कुछ गलत हो रहा है। ये आसमान ये बादल
ये रोशती हवा। सभी बच्चे अपना अपना ब्रेन लगाओ इस प्रश्न को बनाने में, इस प्रश्न को बनाने में सभी बच्चों का ब्रेन लगते रहना चाहिए। क्या हुआ? ये ओशन इसमें से फिगर मिलेगा ना, कौन सा? ये तो आपको लगता है कहाँ कुछ आ रहा। अच्छे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। वाह कितना खूबसूरत बन रहा है ना, कितनी। ओ कैंसिल करूंगा तो कैंसिल साफ। ओहो भाभी इस तरह से फिगर एक्चुअली हमको बनानी नहीं आता है बच्चों। ओहो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा परेशानी हो रहा है मुझे पता नहीं किधर से किधर आ जा रहा है। थोड़ा सा ठीक है ना, फिर उसके बाद लेना है ना, इसी में से लेना है हमको। तेरी आश की क्या रंग वफाने की। कुछ दिख रहा है थोड़ा ठीक ठाक या नहीं? नहीं। किसी बच्चे को उत्तर आया क्या? कोई बच्चा उत्तर दिया अभी तक? Yes. कौन सा दिया? चार बच्चे को उत्तर आया। वाह क्या बात है। चलिए जैसे भी दिए भगवान दया से लगता है या तो सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है, या तो ऐसा लगता है कभी कभी बच्चों को कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए लीजिए भगवान के नाम से आंसर बिहार। भगवान का नाम लेते हैं और आंसर मारते हैं बी फॉर बिहार। प्यारे बच्चों एक बात गौर से समझिएगा, देखो सबसे पहली बात, इसमें जो एक ये घनाभ है समझो, और घनाभ की जो भुजा दे रखा है इसे लंबाई समझ लीजिए, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई समझ लीजिए। इसको क्या समझ लीजिए? ऊंचाई। ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तीन तीन है। आपको कहा गया है इस घनाभ का जो भुजा है उसको देखो क्या कहा गया है लास्ट में, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में इसे काटना है 1 सेंटीमीटर। तो हर एक भुजा को आपको क्या करना है, एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यदि आप लंबाई को यदि काटोगे बच्चों तो इस तरीके से सपोज करो कटता हुआ नजर आएगा मुझे, तो कुछ ऐसा लग रहा है, 1 2 3। ओके ये चार पार्ट में बटा, 1 1 1 1 है ना। अब उसके बाद यदि इधर से बच्चों बांटा जाए, दूसरा कलर यदि मैं यूज कर लूं, तेरी आश की भी क्या रंग ला। ओ, सही जा रहा ना बच्चों? ठीक है कुछ इस तरह से। ओ तीन मैंने क्यों खींच दिया, सो सॉरी, इधर तो तीन है ही ना बच्चों, दो ही खिंचाएगा ना। ओके और सही है। अब हमको एक और लेना होगा ना बच्चों, हमको क्या करना होगा, एक और लेना होगा किधर से? अब इधर से काट दिए, इधर से काट दिए, अब ऐसे काटना होगा हमको ना। तो दूसरा कलर एक कौन सा ले लें हम, ये लेते हैं, ऐसे कटेगा। बच्चों को पता नहीं लग रहा होगा क्या सर आकृति बनाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अरे बालक गौर से तुम देखो, कैसे देखो, गौर से देखो, तुमको लग रहा होगा कि घनाभ को हमने क्या, बच्चा ऐसा दिख रहा है वहां से, लग रहा है कुछ काटे उटे ठीक ठाक दिख रहा है, फील हो रहा है ना, फील होना चाहिए कि हमने इस घनाभ को 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में बदल दिया। इस घनाभ को क्या किए, काट का तीनों ओर से काटना होगा बच्चों, एक बार लंबाई से, एक बार चौड़ाई से और एक बार ऊंचाई से, तीनों तरफ से जब आप काटेंगे तब आपका जो 2
टुकड़ा अब निकलेगा इससे, वो हर टुकड़ा किसके बराबर होगा? घन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वो घन के बराबर होगा। बच्चों एक चीज याद रखना, बहुत ही साधारण प्रश्न है। इन्होंने कहा क्या है देखो, कहा एक बार चार गुना तीन, चार गुना तीन मतलब समझ लो लंबाई गुना चौड़ाई, चार गुना तीन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, फिर एक बार लिया चार गुना तीन यानी लंबाई गुना ऊंचाई, और एक बार बचा होगा तीन गुना तीन, एक बार तीन गुना तीन, सब ले लिया है ना, और इस सभी को अलग अलग कलर से रंग दिया है। जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, छत और ये फर्श इमेजिन करना, छत और फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो इस दोनों को एक कलर से रंग दिया है, राइट। फिर उसके बाद जो आपका चारों दीवार है, आमने सामने का दीवार एक कलर से, और फिर ये आमने सामने का दीवार एक कलर से रंग दिया, और रंगने के बाद कह रहा है उस घनाभ को एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन में क्या किया है? काट दिया है। पूछ रहा है बताओ कितने ऐसे घन उससे निकलेंगे जिसका तीन सरफेस रंगा हुआ मिलेगा, जिसका तीन सरफेस रंगा हुआ मिलेगा। तो बच्चों एक चीज याद रखना, संतोष कुमार मंडल क्या लिख रहा है, कल सवाल बनाने में बहुत मजा आ रहा था लेकिन हमारी बातें आप तक नहीं पहुंच सकी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, थोड़ा फोकस करिए क्वेश्चन पे। तो बच्चों जब कभी भी आप इस तरह से छो सरफेस को कहिए, तो छो सरफेस रंगा गया ना, राइट। तो बच्चों याद रखना, जब आप किसी घनाभ के छो सरफेस को रंग देंगे और उसको टुकड़े में इस तरह से काट के जब आप घन निकालोगे ना, तो कॉर्नर से जो घन निकलेगा ना, कोना पर वाला घन, ये वाला देखो कोना पर वाला घन दिखाते हैं तुमको, गौर से देखना बच्चों, व्हाइट से काम चल जाएगा ना। ये देखो कोना वाला, ये है कोना वाला घन, एक दो और ये तीन। कोना वाला जब घन निकालोगे ना, उसका तीन सरफेस रंगा हुआ मिलेगा। इमेजिन करो, फिल करो, ये भी रंगा, ये भी रंगा, ये भी रंगा हुआ मिलेगा। जब इसके छो सरफेस को रंग दिए बच्चों, ये भी रंगा हुआ मिलेगा, ये भी रंगा हुआ, यहां से जब घन निकलेगा एक टुकड़ा, तो उसका देखो तीन सरफेस रंगा हुआ मिलेगा। और इधर जो काटे होंगे वो तो इससे ढका हुआ होगा ना अंदर, तो पिछला जो उधर वाला सरफेस है, यानी तीन इधर से जो तीन अंदर रहा, वो तीन तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो तीन सरफेस रंगा हुआ है और तीन सरफेस बिना रंगा हुआ मिलेगा। ठीक उसी तरह इस कॉर्नर की भी बात होगा, ये वाला और उधर वाला, उधर वाला भी तो फ्री है ना, तो हम रंग सकते हैं ना। ठीक उसी तरह यहां भी जब आएंगे तो बच्चों इस कॉर्नर पे भी तीन और यहां पे भी एक, एक दो है ना, और कौन सा बच्चों? एक्चुअली इस तरीके से हो गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ये तीन जाएगा ना बच्चों, ये तीन टुकड़ा जाएगा ना कॉर्नर का। तो यहां देखो ना, यहां आसपास दिख रहा है तीन सरफेस, यानी कॉर्नर पे जितने भी घन कटेंगे उस सभी के सभी कितने घन कितने सरफेस रहेंगे रंगे हुए? तीन सरफेस। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां है ना। तो ऊपर में चार और नीचे में भी उसी तरह चार, चार चार आठ। हैंस द आंसर इज बिहार। तो कुछ बच्चों का आंसर बिहार आया था। सर जी लेफ्ट हैंड साइड एक लाइन ज्यादा है, मतलब ओ ज्यादा चला गया है, कैसे? दो इधर भी खींचे, इधर से भी दो ही लिए, लेकिन इधर तो तीन हमको लेना ही है ना, क्योंकि लंबाई को ठीक तो काटे हैं बच्चों। कोई बात नहीं है, बस आपको फील करवाए, थोड़ा सा लिख के समझा के, आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं, फील करो इस चीज को ना, कि कॉर्नर पे जो होगा ना घन, उसके तीन सरफेस रंगे हुए मिलेंगे। चलिए सवाल में विशेष दम नहीं, चलिए अगला सवाल और देखते हैं किसका ब्रेन रीजनिंग में काम करता है। जल्दी से पढ़ उत्तर लगाओ, तो जल्दी से पढ़ के इसका उत्तर लगा दो बच्चों, फास्ट। जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। इसका उत्तर मुझे देखना है किसका आ रहा है सबसे पहले। बहुत बढ़िया, किसी बच्चे को उत्तर आ गया। निक्की महाराणा, सवास बहादुर, वेरी गुड, वेल। अंकुश ए, अच्छा निक्की का बी आ रहा है, अंकुश का ए आ रहा है। सवाश अपने उत्तर पे टिके रहा ना, जो भी लिख दिया। और किसी बच्चे का पढ़ के खुद से बनाना, और सभी के सभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, ये भी तो देखो कैसा कैसा प्रश्न रीजनिंग में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां देखो
नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों का आंसर दिया है ना किसी, मेरा पहले का था। अच्छा तो अभी का उत्तर क्या आ रहा है? अर्चना कुमारी का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विद्या का ए आ रहा है। हर बच्चों का अलग अलग उत्तर आ रहा है, चलिए ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। हिमांशु ए। चलो देखो सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कोड, प्रयोगशाला में जा रहा है, पहुंचना चाह रहा है, वहां एक कोड की जरूरत है समझो। कोड के लिए कैसे कैसे कोड पकड़ेंगे उसके लिए उन्हें कुछ बात याद है, और इन्हीं बातों को याद करते हुए वो कोड पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कौन सा कोड है, देखो क्या क्या हिंट मिल रहा है। उसको ये याद है कि कोड अंक जो है वो कहां से शुरू होता है, पांच से। तो चारों में पांच है, इसका मतलब पहला चीज जो उसे याद है, इससे किसी भी कोड को वो छांट नहीं पा रहा है, सभी के शुरुआत में पांच लिखा हुआ है। दूसरा पढ़ो, कहता है कोड 987 पर समाप्त होता है। 987 पहला भी डाटा फालतू, दूसरा भी डाटा फालतू, ये दोनों याद रहने से वो कहीं भी किसी भी ऑप्शन को नहीं छांट पा रहा है। तीसरा ऑप्शन पढ़ो, कहता है दूसरा अंक उसको याद है। देखो तीसरा बात क्या याद है कि दूसरा अंक जो था वो पहले अंक और तीन का योग है, यानी दूसरा अंक क्या है, पहला अंक और उसमें तीन जोड़ने पर उसके बराबर हो जाता है, चेक करते हैं। उसने कहा दूसरा अंक आठ, कैसे आ रहा है आठ, कहा पहला अंक में तीन जोड़िए तो आठ मिल जाता है, बिल्कुल कोड ये पकड़ा रहा है। यहां देखो तो चार है, पांच में तीन जोड़ेंगे आठ होगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा अंक चार है, कहा पहले अंक में तीन जोड़ने से दूसरा अंक मिलता है, यह भी गलत हो रहा है। फिर यहां कह रहा है कि दूसरा अंक कैसे मिल रहा है, पहले अंक में तीन जोड़ने से, यह भी नहीं सेटिस्फाई किया। यानी वो तीसरा बात जो उसको याद था, इतनी सी ही बातों से वो कोड को पकड़ लिया। हमें लग रहा है कि अब ये पढ़ने की आवश्यकता भी उसको नहीं है। बच्चों शायद समझ गए होंगे इसका आंसर क्या जा रहा है, ए। चलिए अगला इस प्रश्न को बढ़ाओ, सभी बच्चे जल्दी से इसका उत्तर लगा दो। हो ए फॉर एप्पल, वाह सोनू, सोनू आजकल लग रहा है एप्पल ज्यादा ही खा रहे क्या, सोनू ए फॉर एप्पल, और एप्पल भी बहुत सारे तुम भेज रहे हो। संतोष कुमार मंडली, चलो का चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी सीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई पड़ेगा, पैटर्न कैसा दिखाई पड़ेगा। सीधी सी बात है बच्चों, ये बिंदुदार पॉइंट है, यहां से जब आप इसको इस तरह से मोड़ोगे तो कौन सी आकृति का रूप लेगा। सिंपल सी बात है, जब आप मोड़ेंगे तो ये सर्कल जो है ट्रेंगल पे जाके चढ़ेगा, लेकिन ट्रेंगल में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ट्रेंगल का जो नुकीला पार्ट है वो नीचे रहेगा, यहां नीचे है, यहां देखो ऊपर हो रहा है, इसकी कहानी कैसे, यहां नीचे है सही है, ये भी सही है, यहां ऊपर ये गलत है कि नहीं बच्चों। अब ये ट्रेंगल की बात को, जब ट्रेंगल ऐसे उल्टेगा तो उसका नुकीला पार्ट चला जाएगा पूर्व दिशा की ओर, नहीं तो नुकीला पार्ट पूर्व दिशा की ओर इसमें है नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब जो बचा वही सही आंसर कौन सा बच्चों, सी। तीन तीन किसमें है, सी में है, यानी आंसर लगाना चाहिए आप लोगों को सी। किसी बच्चे का सी आया था, कुछ कुछ बच्चों का, बाद बाकी का तो मुझे लगता है गलत भी है ना। चलिए अगला इस सवाल को बनाओ, ए बी की बहन है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, बताओ बच्चों। सवाल का जवाब दो, सवाल का जवाब दो। हो ला 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 हम्म
आशीष कुमार सिंह कोई बच्चे हैं वो कह रहे हैं बी फॉर बिहार दादी, वेरी गुड। हिमांशु भी कह रहे हैं दादी, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। और देखते हैं दादी कौन कौन ला रहे, किसको किसको दादी मिल रहा है ना। अंकुश डी, सुरुचि सिन्हा डी, सोनू प्रजापति। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरे अर्जुन की तीर सा हो, कमजोरियां मुझे चाहते कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खरे वीर सा हो। वाह क्या बात है, सुन बहुत सुंदर पंक्ति लिखा है, तो समझ गए। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, बहुत शानदार लिखा है लेकिन पंक्ति, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन की तीर सा हो, कमजोरियां मुझे चाहे कितनी भी हो मगर हौसला सीमा पर खरे वीर सा हो। वाह बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छी पंक्ति आपने लिखा है। चलो, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। ए बी की कौन है बहन, है ना, फीमेल। सी बी की माँ है, सी कौन है बच्चों, बी की माँ, सी है बी की माँ। और आगे पढ़ो, डी सी का पिता है, डी सी का फादर, कौन, फादर। और ई डी की माँ, गजब, ई डी की माँ, यही तो है रिलेशन। तो ए डी से कैसे संबंधित है, ए का रिश्ता डी से बताना है। देखो बालक, ये भाई बन हो गया, इसकी माँ यानी इसकी भी माँ, ए की भी माँ, बी की भी माँ, माँ का पिता नाना, माँ का पिता, और आपसे पूछा इसी दोनों में रिश्ता बताओ, तो ए का ये नाना हुआ। ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है, ए का रिश्ता बताना है। तो ए का रिश्ता डी से नातिन का है, किससे है, नातिन। ऑप्शन में नातिन है तो एक ऑप्शन मार दो, पोती, ऐसे नातिन होना चाहिए, नातिन नहीं, लेकिन जो दादी लगा दिया हमको समझ में आ रहा है कैसे दादी लगा दी, बिल्कुल एकदम कहां से लगाया, क्या सोचा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार, है ना, कहां से तुम दादी लाया, ओहो हो कैसे लगा दिया दादी। बट चलो अगला क्वेश्चन इसे बनाओ, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता है। आपको हिंट के लिए मैं बता दूं कि दर्पण यहां है बच्चों, दर्पण जो वो किधर है बच्चों, यहां लगा हुआ है, समझो ये दर्पण है तुम्हारा, तो इसका इमेज दर्पण में कैसा दिखाई पड़ेगा, इसका उत्तर प्लीज बच्चों जल्दी से दे दीजिए ना। काश कहीं ऐसा होता, विद्या बी, रेनबो बी, हिमांशु बी, अंकुश क्या भेज रहे हैं भाई, समझ से पढ़े क्या क्या है ये सब। आशीष कुमार सिंह बी, आशीष कुमार सिंह बिहार, नेहा कुमारी बिहार, अर्चना कुमारी बिहार, ओके। चलिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेज में ये वर्टिकली क्या होता है, सीधा उलट जाता है, नहीं क्या होता है, उलट जाता है, यानी बी सीधा उधर आएगा फ्रंट पे। सभी में बी एक जैसा, सभी में आर भी एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में देखो ये भी एक जैसा दिख रहा है, ये भी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन यहां से कुछ परिवर्तन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, क्यू से, क्यू को पकड़ो। तो यदि ये बच्चों मिरर में देखोगे तो ये ऐसा उल्टेगा, यानी ये जो इसका नुकीला पार्ट है वो इधर घूमेगा, नहीं पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो ये पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगा, दैट इज ये देखो नहीं होना चाहिए, सेम छाप दिया, ये भी देखो सेम छाप दिया, इसका मतलब ए भी गलत हो चुका है और डी भी गलत हो चुका है, बचा है बी और सी। अब देखो इस दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है, तो जो सिमिलरिटी है उससे तो नहीं छाट पाओगे बच्चों, बी और सी बचा है, तो देखो, सॉरी
कौन कौन सा, किसको काट, उल्टे काट दिया लगता है क्या मैंने, ये काटे हाँ, तो बच्चा अब ओहो वही ना, इधर गलत काट दिए सॉरी, हमारा कौन सा कटना चाहिए, ए और सी ना, हाँ बच्चा बी और डी, बी और डी को गौर करो बच्चों, बी और डी को, तो यहाँ के बाद आगे बढ़ो, सेम है, सेम ही है ना, लेकिन यहाँ देखा जाए तो इस दोनों में डिफरेंस है ना डिफरेंस, यानी ये कौन सा है, ये सिक्स है, सिक्स से पता चल जाएगा, सिक्स जब उल्टेगा तो बच्चों ऐसे घूमेगा उधर, सेम तो उतरेगा नहीं, यहां देखो यहां क्या किया ना, ऐसे घुमा दिया, ऐसे थोड़ी घूमता है, ये पलटेगा तो ऐसे होगा ना, दैट इज कन्फर्म आंसर, कौन सा, बी, कन्फर्म आंसर बी, जो कि आप लोगों ने लगा ही दिया, शाबाश बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन बच्चा बनाता है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कौन कौन बनाते हो देखा जाए, ये आसमां, पता लगाएं कि आकृति अक्ष में दिए गए टुकड़ों से, दिए गए टुकड़ों से एक दो तीन और चार में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, प्यारा प्यारा कमेंट करिए, देखिए सोनू प्रजापति का कितना अच्छा कमेंट आ रहा है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, सोनू हम कोशिश भी ना करें ये पक्का गलत बात, तो तुम कोशिश कर रहे होगे नहीं, यदि नहीं कर रहे हो तो सोनू पक्का गलत बात, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, ये कैसे समझ रहा है मुकद्दर की बात, अरे मेहनत की ताकत से मुकद्दर में भी बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं, कौन कहता है कि मुकद्दर को बदला नहीं जा सकता यार, गलत बात है सुनो, गलत बात है, ऐसे लास्ट में तुम लिखा है कि कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, हाँ मुकद्दर में कैसे नहीं है, जो चाहोगे वो मिल जाता है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है। चलिए इसका उत्तर बच्चों से, आई थिंक शांभवी शान्या ए, वेरी गुड, निदेश सिंह, हिमांशु, विद्या, सोनू प्रजापति, अंकुश, सजनेश, नेहा, निक्की महाराणा, सभी बच्चों का उत्तर तो एकदम शानदार आ रहा है, अब देखना है कि किसका किसका उत्तर सही है। आ जाओ बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही प्यारा सवाल, देखो थोड़ा सा रीजनिंग इसमें अच्छा सोचना पड़ेगा बच्चों, ये तीन टुकड़े को मिलाकर कौन सी आकृति का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, यही सोचना है, जरा गौर करना बच्चों, ये तीनों का तीनों देखने से लग रहा है त्रिभुज है, मेरे तर्क को ध्यान से समझना, ये तीनों का तीनों बच्चों किस रूप में है, त्रिभुज के रूप में, लेकिन गौर से अपने स्क्रीन पर देखो कि क्या तीनों त्रिभुज का साइज एक जैसा है, गौर से देखो क्या तीनों त्रिभुज का साइज एक जैसा है, लग रहा है कि सभी त्रिभुज का साइज डिफरेंट है, आकार भी आकृति भी है ना, दोनों चेंज है बच्चों, गौर से देख लो तू, राइट। अब हम लोग सबसे पहले तो तीन ट्रायंगल ढूंढे, देखते हैं कहां हमें तीन ट्रायंगल मिल रहे हैं, क्योंकि वही तीन ट्रायंगल जुट टूट के कुछ फिगर का निर्माण करेगा, गौर से देखना बच्चों, यहां से जैसे ही आप इसे मिलाओगे तो एक त्रिभुज तो बन गया, बन गया एक त्रिभुज, ओके एक त्रिभुज बन गया, अब आपको दो त्रिभुज और बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो गौर से देखो, यहां से यहां मिला दीजिए या फिर यहां से ऐसे मिला दीजिए, किसी भी तरह मिला दीजिए, तो आपको दो त्रिभुज फिर से मिल गया, मिला कि नहीं, देखो एक ये वाला त्रिभुज और एक बच्चों ये वाला त्रिभुज मिला, लेकिन यहां हमें ऊपर वाला त्रिभुज जो बना वो तो डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों त्रिभुज ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों सेम मिल गया, दोनों क्या है एग्जैक्ट सेम बच्चों, एग्जैक्ट सेम है या नहीं बच्चों, एक दूसरे को उल्टाएंगे तो सेम, मतलब कहा जाए तो वो बिल्कुल समरूप कह दीजिए, सर्वांगसम भी बोल दीजिए चले, है कि नहीं है, एकदम सर्वांगसम में उतर जाएगा बच्चों, है या नहीं, इसका मतलब जो आप लोगों ने एक के बारे में सोचा था वो तो गलत चला गया, ओके अब बच्चों आते हैं दो नंबर पे, दो नंबर के बारे में सोचो क्या सही है या फिर गलत है, यदि ठीक उसी तरह बच्चों यहां हम मिला देते हैं तो एक त्रिभुज तो हमें मिल गया,
अब और त्रिभुज कैसे बनाओगे? तो सिंपल सी बात है बच्चों, कैसे बनाओगे तो उसका तरीका मुझे लग रहा है बच्चों इसको खींचना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे खींचोगे त्रिभुज तो ये बना ही नहीं। यहां से सीधा क्या करना होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये देखो ऐसे उतार दो, गलत। एक तो ये बना, अब यदि इसको मिलाते हैं, हाँ ठीक तो है, ऐसे ही मिलाना पड़ेगा, एस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहां से ऐसे मिला देते हैं बच्चों, ये ऐसे मिला दिए ना। तो क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं बच्चों। देखो ये एकदम सीधा वर्टिकल लाइन है और ये तिरछा लाइन है। ये क्या है? तिरछा लाइन है बच्चों, ये तिरछा लाइन है, समझना। ये स्ट्रेट चला यहां तक और ये टिल्ट है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है ना। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल सेम नहीं है, सेम नहीं है बच्चों। ठीक उसी तरह यहां बनाने की कोशिश करोगे, ये ऐसे मिला दो बस। अब और दो ट्रेंगल चाहिए तो आपके पास एक ही विकल्प है, इस दोनों को मिलाना पड़ेगा। फिर से देखो ये ट्रेंगल दोनों सेम मिल जाएगा। ठीक उसी तरह बच्चों यहां मिलाओगे, एक त्रिभुज तो बन गया और फिर एक ही विकल्प है, इसको मिलाइए या फिर इधर से मिलाइए। यानी इसमें भी जो दो एक्स्ट्रा त्रिभुज आए वो दोनों इक्वल दिख रहा है, यहां भी इक्वल, यहां भी इक्वल, लेकिन इसमें डिफरेंट। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कौन सा आकृति हम लोग बना सकते हैं, दो और दो है किसमें, दैट इज ए किसमें है नहीं बच्चों। Hence the confirmed answer is A. बच्चों को उत्तर क्या आ रहा था? काफी सारे बच्चों के ये आया था ना। क्या बच्चों ये तर्क समझ में आया? एक बार प्लीज कमेंट करना। तो जो तर्क दिए क्या ये समझ में आया थोड़ा बहुत? क्वेश्चन बहुत गहराई से, बाद में की जो ए भी लगा दिया ना, हमको नहीं लगता तुम ऐसा बात सोचा होगा, बस खाली दिखा हमको लग रहा है थोड़ा सा इसका लोल ऊपर जा रहा है, मार दिया होगा है ना, कुछ से कुछ दिमाग लगा के मार देते हो तुम, हमको तो पता है। और उत्तर सही भी हो जाए तो फिर काहे को तुम समझोगे, तुम तो गुमान से एकदम घमंड से महकने लगा तू, अरे हम तो पहले ही मार दिए थे सर के बताने से पहले, है ना। तो तुम्हारी यही घमंड जो है ना तुमको बर्बाद कर देता है, एक लाइन कहीं से भी अंदाजी ना लगा लिया। चलो यदि घमंड है तो फिर इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, देखते हैं तुम्हारा घमंड जो है ये बरकरार रखता है या तुम्हारे घमंड को चूर कर देता है। बनाओ, सवाल तुम्हारे सामने है और तुम सवाल के सामने हो। ऑलवेज कमेंट, कुछ लिखने की कला सीखिए और कमेंट करिए। देखते हैं कौन कौन बच्चा कमेंट करता है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया संतोष कुमार मंडल, शाबाश बहादुर, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग तो बस सोचने का चीज है बच्चों, सोच पाए तो ठीक, नहीं सोच पाए तो कहते हैं सोचे तो गुड, ना सोच पाए तो वेरी गुड, सीधी सी बात। यस सर जी, ये चूहा बिल्ली खाली भेज रहे हैं, गलत बात है। तेरी यादों में मैं यूं ही हर पल सदा बेकरार रहूं, यूं ही तेरी यादों में, हो हो ला 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 ला। उत्तर आ गया है बच्चों का, लग रहा है ना। ओहो, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में, मजा आ रहा है सच में, एकदम मजा आ रहा है। निक्की महाराणा ए, सांभवी शान्या ए, अर्चना कुमारी बिहार, शालिनी सिंह 3, नेहा कुमारी बिहार, विद्या सी, अर्चना बी। ओहो, और लड़का लोग सो गया है क्या? अरे जवाब नहीं दे रहे हो। आजा बच्चे, समझ लो, देखते हैं इसका क्या उत्तर होना चाहिए। मेरे तर्क को सुनो और देखो, सिंपल सी बात है, आपको कहा कि वह आकृति चुनिए जो अन्य से क्या हो, भिन्न हो, डिफरेंट हो। यानी तीन में कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होगी, किसी न किसी वैरायटी का सिमिलरिटी मारो, लेकिन एक आप उसमें से डिफरेंट पकड़ लो। कोई भी रिलेशन तुम ढूंढ सकते हो, कोई भी रिलेशन। गौर फरमाओ बच्चों,
पहली आकृति को देखो तो सभी का मूवमेंट अलग अलग है, सभी का जो मतलब ये खुला दरवाजा समझ लो, खुला दरवाजा का डायरेक्शन, जैसे इसका डायरेक्शन है दक्षिण की ओर, इसका डायरेक्शन है पश्चिम की ओर, इसका दरवाजा खुला है पूरब की ओर, और इसका दरवाजा खुला है सॉरी इसका दरवाजा खुला है उत्तर की ओर, इसका दरवाजा खुला है पूरब की ओर, राइट बच्चों? यानी चार यदि घर समझ लो तो चारों का दरवाजा अलग अलग। यहां गौर करो, क्या सभी का दरवाजा अलग अलग? हाँ, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये पूरब, ये दक्षिण, यहां भी दरवाजा अलग अलग दिशा में खुला हुआ है। यहां गौर करो, ये घर और ये घर दोनों का दरवाजा सेम दिशा में है। यहां भी गौर करो, सभी घर का दरवाजा अलग अलग दिशा में, यहां भी सभी घर का दरवाजा बच्चों अलग अलग दिशा में। तो बस इतनी सी बातों से ही मुझे लग रहा है उत्तर पकड़ा रहा है। और तीन किस्में है, गौर करना, तीन सी में। क्या बच्चों सही लगा तर्क तुम लोगों को? बोलो, समझ पाया तर्क? छोटी सी तर्क, छोटी सी बात सोचना था जो नहीं सोच पा रहे हम लोग, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है, सोच ले तभी तो, नहीं सोच पाए तो फिर बात ही क्या है। इसी को कहते हैं रीजनिंग, इसी को क्या कहते हैं? निर्देशिंग। यस सर जी, समझ गए। विद्या यस अर्चना कुमार यस। ओके 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 ओके, चलिए। हो ये दिल तुम बिन, चलो ये है तुम्हारा अगला प्रश्न, तुम्हारा अपना प्रश्न जो कोई ले नहीं जा सकता है तुमसे छीन के, और किसी भी कीमत पर तुम इसका उत्तर बताओगे, किसी भी कीमत पर। जल्दी से बनाओ, अरे बनाओ 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 जल्दी बालक। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है, और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो 63 × 24 प्लस 8 भागा 4 प्लस 2 माइनस 3 बराबर व्हाट? चलो 63। गुना का अर्थ बताना बच्चों, गुना का अर्थ घटाओ, दैट इज माइनस 24। फिर क्या है प्लस 8, प्लस प्लस का अर्थ क्या है बच्चों? प्लस करते भाग, प्लस का अर्थ भाग, भाग 8, और फिर भागा, भागा का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है गुना, गुना 4, प्लस का अर्थ क्या है? भागा, भागा 2, और माइनस का अर्थ क्या है बच्चों? माइनस का अर्थ है जोड़, प्लस 3। इसी को सॉल्व करना है। 2 × 2 = 8, माइनस 16 प्लस 3 यानी माइनस 13, इधर हो गया माइनस 13 बच्चों, और माइनस 13 और ये 24 जोड़ दे, 4 × 3 = 37। ओहो अच्छा, यहाँ भी भाग है, सो सॉरी बच्चों, पक्का गलत हो गया ना, गड़बड़ हो गया। सबसे पहले हम लोग भाग की क्रिया करते हैं कि नहीं? तो ये बच्चों देखो 63 थोड़ा स्टेप ले लेते हैं, ये तीन बार में कटेगा, माइनस 3 गुना, और यहाँ बच्चों कितना 2 चलेगा, और प्लस 3, ये माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, और 63 में 3 दड़ी 60 आंसर आना चाहिए, 60। ये सही है बच्चों का भी उत्तर, ए ए ए ए ए ए ए ए, यस 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 यस, गुड। अरे इतना छोटा कैसे हो जाते हो कभी कभी तुम? चलो बनाओ। हाँ, चार विकल्पों में दी गई आकृति की सही दर्पण छवि, दर्पण प्यारे बच्चों यहां है, दर्पण यहां है तुम्हारा, दर्पण यहां पड़ा है, और दर्पण में इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? संजीव कुमार बी होना चाहिए सर, किसका उत्तर बी बता रहे हैं? कैसे बी होना चाहिए? जबरदस्ती आंसर ए होना चाहिए। पहले भाग की क्रिया करते हैं हम लोग, जहां जहां भाग है पहले उसको ऑपरेट करना है, चार जगह भाग है तो चारों जगह पहले भाग को सॉल्व करोगे ना, कि भाग करके सीधा गुना मार देंगे गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओके ओके ओके, शानदार आंसर, बहुत बढ़िया बच्चों। इसका हमें क्या निकालना है? मिरर इमेज, जस्ट ये उल्टेगा, यानी ये जो देखो ये जो फिगर है बच्चों ये उल्टेगा, उसी तरह सेम रहेगा, ये बीच वाला जो ना एग्जैक्टली सेम, इसको पलटेंगे तो एम जो है एम ऊपर ही दिखेगा, एम नीचे नहीं जाने वाला, यहां भी देखो नीचे लेके चला गया, यहां भी नीचे लेके चला गया, यानी ऊपर ही रहेगा एम, ये एम वाला जो फिगर है ना वो सेम रहेगा। तो 2 और 4 में आ जाओ, प्लस प्लस। अब थोड़ा एरो और इसमें आते हैं, तो जब पलटेंगे तो एरो तो इस साइड आ जाएगा ना, और ये चला जाएगा उस साइड, तो एरो इस साइड आ गया किसमें?
ये चार आंसर, चार चार किसमें है, डी में। आंसर कंफर्म क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, बिल्कुल सही बच्चों। हाँ, सुरुचि सिन्हा, रेनबो, संतोष कुमार, आशीष, निधि, निक्की, नेहा, शांभवी, सभी बच्चों ने सही उत्तर लगा दिया। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन फिर वेन डायग्राम, अगेन वेन डायग्राम का सवाल है बच्चों, और जल्दी से प्लीज बनाओ, उत्तर लगाते चलो ना फटाफट। जितना फास्ट आप बनाओगे उतना ही फास्ट मैं आगे बढ़ता चलूंगा। सोनी कुशवाहा, वेलकम सोनी, रेनबो, हिमांशु, संजीव, सभी बच्चों को उत्तर आ चुका है, शाबाश। बहुत ही आसान, पति, परिवार और पत्नी, पति, परिवार और पत्नी। ऐसा लगता है ना कि पति और पत्नी एक परिवार का हिस्सा है कि नहीं भाई। वेन डायग्राम में शब्दों को पिरोना है, शब्दों को पिरोना है, मतलब ये होगा परिवार, इसी परिवार में होगा पति और पत्नी, होगा या नहीं, कैसा फिगर होना चाहिए। तो क्या इस आकृति से आप इस तीनों शब्दों को पिरो सकते हो या नहीं? यस, बिल्कुल सही। तो बी काफी सारे बच्चों का सही था। चलो बच्चों, ये भी कुछ उसी वैरायटी का, देखो एक एग्जाम में किस किस तरह का सवाल आ रहा है भाई। यूपी पुलिस, जिसका एग्जाम अभी मुझे लग रहा है कि एक महीना पहले ही लगभग हुआ था ना बच्चों, शायद हाँ। और उसके ये सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी प्रश्न उन्हीं एग्जाम के हैं बाबू। तो लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्नों को देखा करिए, बनाया करिए। इसीलिए कहते हैं अभ्यास लगातार, आप एग्जाम के पूछे गए प्रश्न का करते रहोगे ना तो कहीं से भी बाहर से सवाल नहीं आता है बच्चों, बस अभ्यास आपका जबरदस्त होना चाहिए। वेरी गुड। संजीव कुमार डी, शांभवी, शान्या सी, अंकुश बिहार, विद्या बी, सोनी कुशवाहा तीन, निधि सिंह बिहार, शालिनी सिंह बिहार, वारे 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 बहादुर, शाबाश, सभी बच्चों ने बना लिया। क्या पूछा है बच्चों, उन पुरुषों की संख्या बताओ, उन पुरुषों की संख्या क्या होनी चाहिए जो स्वस्थ तो है लेकिन वृद्ध नहीं होना चाहिए, स्वस्थ है लेकिन वृद्ध नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन पुरुषों की संख्या, पुरुष, पुरुष को कौन सी आकृति डिनोट कर रहा है जरा पढ़ा जाए बच्चों। त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, आयत वृद्ध को, और वृद्ध पुरुषों को, वृद्ध पुरुषों को। तो पुरुषों में हमें तीन और पांच दिख रहा है, वृद्ध के अंदर में जो आया वो पुरुष को डिनोट कर रहा है, तो पुरुष तीन और पांच है। लेकिन कैसा पुरुष लेना है, उन पुरुषों की संख्या बताइए जो स्वस्थ होना चाहिए, जो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब त्रिभुज, स्वस्थ मतलब त्रिभुज, त्रिभुज माना चाहिए। तो त्रिभुज में तीन और पांच तो दोनों आ रहे हैं, तीन और पांच तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन एक बात और जोड़ दिया, वो वृद्ध नहीं होना चाहिए। वृद्ध किसको डिनोट कर रहा है, आयत को, यानी आयत में नहीं जाना चाहिए। देखो तो ये पांच आयत में जा रहा है या नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब ये जो तीन है, यही तीन हमारा क्या होगा, एक ऐसा पुरुष को डिनोट कर रहा है जो स्वस्थ है और वृद्ध नहीं है, जो स्वस्थ है और वृद्ध नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आप तमाम बच्चों का, बी फॉर बिहार। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा देर के लिए आप सभी को सो छोड़ देते हैं ब्रेन लगाने के लिए, और जरूर आप इसमें थोड़ा देर, क्या मतलब हमको लगता है बहुत फास्ट उत्तर लगा देंगे, जरा सोच के तो देखो, थोड़ा सा ही सोचना है, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा डीपली तो सोचना ही नहीं, और जल्दी से सीरीज को पकड़ के उत्तर लगाओ। क्वेश्चन देखो, ये पूछा है तुम्हारे एग्जाम में। यूपी पुलिस, शांभवी, शान्या, वारे बहादुर, बी फॉर बिहार, शानदार, वेरी गुड। और किसी बच्चे का देखना है, संजीव बी, हिमांशु ए, और किसी बच्चे का, सोनी कुशवाहा ए, शाबाश, शालिनी सिंह ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बच्चों, और किसी का हिम्मत, नेहा कुमारी ए, रेनबो ए, वाह 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 वाह, शानदार। चलो देखो, इसमें कुछ नहीं था, 8 से 23 हुआ कितना बड़ा, कहो 15 बड़ा, 23 से 38 हुआ कितना बड़ा, कहो 15 बड़ा, 38 से 53 15 बढ़ता जा रहा है, तो 68 में 15 जोड़ दीजिए, 8 5 13 6 7 83 आंसर होना चाहिए ए। सीरीज 15 15 15 15 15 पे बढ़ता जा रहा था, जो आप नहीं पकड़ पाए, जिसने पकड़ लिया धड़े। देखो ये प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हारे एग्जाम में, है ना, हो एनालॉगी कहते हैं इसे, एनालॉगी, एनालॉगी। शेर मांद में रहता है, खरगोश कहां रहता है भाई, पता है क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं क्या हो सकता है, तुम ही लोग बताओ,
ये आप सभी पे निर्णय छोड़ देते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए आप सभी पे निर्णय छोड़ा गया और आप लोग इसका जवाब दीजिए। कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी कर रहे हैं, देख लो तुम्ही लोग का उत्तर क्या क्या आ रहा है। सी आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का तो सी ही आ रहा है। सब अपना सोच लगाओ, सी दे दिया तो सी मत करो ना, सभी सी कर रहे हैं। तो चलिए आपके साथ ही हम भी चले जाते हैं आंसर सी। खरगोश बिल में रहता है, बच्चों ने कहा सर बिल में रहता है, बच्चों ने कहा खरगोश बिल में रहता है, हमने भी कहा हाँ भाई बिल में रहता है। चलो शेर मांद में, खरगोश बिल में, कोई बात नहीं। चलिए बहुत अच्छी, सही है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। हो मन गया। बी से सी एक बढ़ा तो जी से एच होना चाहिए, ना तो बी होगा ना तो डी होगा, कहानी खत्म। पी का अगला क्यू है ना, इसका मतलब पी का अगला यू, यू यहां भी है, दोनों में है। एम का अगला एन, पी का अगला क्यू, यू के बाद क्यू, कंफर्म आंसर इज ए। बहुत बढ़िया, इतना फास्ट जवाब दे रहे हो सोनी कुशवाहा, शानदार, बहुत वेरी फास्ट, बहुत शानदार, बहुत फास्ट दे रहे हो तुम लोग जवाब। चलो इसमें त्रिभुज गिनो प्रेम से और गिन के बताओ कितना त्रिभुज है, गलती नहीं होना चाहिए, बढ़िया से प्रेम से गिनना एकदम, और एकदम ईमानदारी से, कि कोई पूछे तो हाँ बता दो कि हाँ सर ये 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 करके 12, 13, 14 जो भी आ रहा है। अरे वाह, इतना फटाफट गिन लिया तुम लोगों ने, पक्का एकदम चीटिंग है, पक्का चीटिंग है, पक्का चीटिंग करते हो तुम लोग, एकदम चीटर हो, एक नंबर के चीटर हो। वाह गजब हो यार, आशीष कुमार ए, सोनी कुशवाहा ए, नेहा कुमारी ए, रेनबो ए, सब ए, सांभवी शानिया है वो सी करी है, सोनी कुशवाहा सी बोल रही है, निधि सिंह बी, अंकुश सी, ओके सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि गिन लिया है। बच्चे ने कहा ए, मैक्सिमम बच्चों ने ए कहा ना, कुछ बच्चों ने बी कहा ना, कुछ बच्चों ने सी भी कहा होगा, और ऐसा थोड़ी है कि कुछ बच्चे डी को छोड़ दिए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप सभी ने गिना, अब चलो मैं गिनता हूं और जरा गौर से देखना। बच्चों एक चीज जानते हो तुम लोग, कुछ इस वैरायटी का यदि त्रिभुज हो, ऐसा ऐसा खींचा हुआ हो, इसमें कितना त्रिभुज है, एक दो और दिस इज योर तीन, नहीं तीन होते हैं ना। चलो गिनते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, मेरे से भी मिस्टेक ना हो जाए गिनने के दौरान। हाँ देखो उसी आकृति में है ना ये त्रिभुज, और यहां से एक लाइन खींचा है, तो यहां तीन, तीन यहां मिला, ठीक उसी तरह ये वाला है बच्चों, सेम वही फिगर, तो तीन यहां से तीन यहां, तीन तीन छः, ओके। अब इसको लिया जाए सात, क्योंकि इसको ऐसे ले लेंगे तो फिर कॉमन वाला हो चला जाएगा ना, यहां से तीन, अरे एक दो और ये रहा तीन, एक दो ये रहा तीन, तीन तीन छः, छः और एक सात, और ये रहा आठ, हाँ या ना, आठ रहा। अब चलिए अलग अलग कलर से गिनते हैं, आठ हो चुका है ना बच्चों, अलग अलग कलर लगाते हैं जिससे बच्चों को पता चले, आठ हो चुका है। आठ के बाद नौवां लिया सा बच्चों, ये लिया सा, ये तो ले चुके हैं ना हम लोग, ये ले लो, ये ले लो, ये नौवा, ये नौ हुआ। दस लाना है बच्चों, दस लाने के लिए हम ये गिन लें, ये रहा दस, ये रहा बच्चों दस, और प्यारे बच्चों ये रहा तुम्हारा ग्यारहवां, ये वाला देश देश देश, ये रहा ग्यारहवां है ये नहीं, और एक सबसे बड़का अपना बारहवां आंसर गया सी, आंसर गया सी। तो त्रिभुज में आप काउंटिंग करने में फंस गए ना, फंसे ना। अच्छा इतना फास्ट उत्तर कैसे लगाया, बोलिए इतना फास्ट उत्तर जो लगाया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मतलब कहीं से कोई, मतलब आसमान से कोई ट्रिक फ्रिक रट लिया है क्या यार, बताना थोड़ा मुझे भी, हम भी माने उसी तरह से उत्तर भाई।
क्या बच्चों? Yes, चलो, अरे रे रे रे, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा ठहर जाना। परदेशी मेरे यारा, लौट के आना, उन्हें न जाना, कहीं भूलना। ओ, बहुत दूर चले गए। ये रहा ट्रायंगल, यही था अपना, और ट्रायंगल के बाद आना था ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा, जिसे आपको सॉल्व करना है। चलो बढ़ो। इस जहां में, इस जहां में जाना नहीं, एक गाना है ना, जाना नहीं मुझे छोड़ के, हाँ मुझे छोड़ के, परदेसी मेरे आरा, वादा निभाना, मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। तू जाना नहीं। क्या कर रहा है रे संतोष? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मारेंगे ना खींच के। किधर से तुमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? सच में नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? कट रहा है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन कट रहा है क्या? ओहो, अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ संतोष, आपकी बात में थोड़ी सी सच्चाई थी। अब शायद देखो तो संतोष, अब देखो तो, अब देखो ना, अरे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर। अरे बन गया, किसी को उत्तर आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? फंसे पड़े हुए, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, किसी को भी भूल जाना, लेकिन मैथ्स रीजनिंग को मत भूलना। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है। बहुत वर्षों के बाद, वर्षों के बाद ऐसा लगा अंकुश भी कुछ बोला है, है ना, वर्षों बाद कुछ तो बोला है। चलो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अरे चलो चलते हैं हम भी, देखना बच्चों तुम सभी के साथ साथ किधर से चले। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चला 9, चलो यहां से चलना शुरू करते हैं। उत्तर दिशा में चला कितना बच्चों? उत्तर दिशा में चला ये रहा 9, चल लिए। फिर कहता है बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाईं ओर मुड़े, अरे जगह बचेगा कि नहीं मेरा उधर, किधर किधर मुड़ना है भाई, स्पेस थोड़ा सा कम है। बाईं ओर मुड़ा इधर, अब बाईं ओर मुड़ता है और 4 चलता है, चलो 4 चल लिए, देखना और नहीं उधर चल जाना। फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यहां से बाईं मुड़ने का मतलब बच्चों नीचे उतरेगा, और नीचे उतर के कितना चल रहा है? बाईं मुड़ता है और 10 चलता है, तो 10 चलने का मतलब सीधा 9 से पार करेगा बच्चों। यदि ये डिस्टेंस 9 है, तो जब यहां से 10 चलने की कोशिश करेगा तो इससे तो आगे जाएगा। ये कितना चल लिया बच्चों? 10 चल लिया। ओके, फिर देखो तो फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 चलता है, लो फिर से बाईं मतलब इधर मुड़ेगा और 4 चलेगा, मतलब समझ रहे हो? ये डिस्टेंस यदि 4 है बच्चों, एग्जैक्ट इसी के सामने आके रुकेगा कि नहीं? यहां पहुंच गया वो, ये 4 चला और यहां पहुंचा। पूछ के रखा है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस आपको बताना है बच्चों। कौन सा डिस्टेंस? इतना सा डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस खुद देखो ना, यहां से यहां कितना? अरे यहां से यहां कितना? 9 और यहां से यहां कितना? 10। तो 10 में से इतना सा माइनस हो जाएगा, तो बच्चों ये क्या बचेगा? 1। तो कितना दूरी पर है? 1, यानी आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। सभी बच्चे का तो आ ही गया। यस, शाबाश, शानदार, जिंदाबाद। जितने भी बच्चे लाइव क्लास कर रहे हो, आप सभी से मेरी अपील है इसी लाइव क्लास के बीच में कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में यदि आप 18 साल पूरा कर चुके हैं तो आपका इस देश हित में, और यदि आप एक सच्चा देशभक्त हैं, आपको हिंदुस्तान की फिक्र है, देश की फिक्र है, तो आप इस बार
जरूर चुनाव में हिस्सा लीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। यदि आपने मत डालने नहीं गया तो मेरे नजर में आपसे जैसा, आपके जैसा बेकार इंसान कोई नहीं है। फिर ये नहीं कहना कि सर वोट किसको डालने जाए, सभी तो चोरी हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? तुम ही भी लोकसभा में खड़े हो जाओ। खड़े भी नहीं होंगे, चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, बकवास भी करेंगे। चुनो जाके जिसको चुनना है, लेकिन चुनना और वोट डालना तुम्हारा अधिकार है। ये बात हमेशा याद रखना। जैसे पढ़ना जन्मसिद्ध, शिक्षा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक उसी तरह वोट डालना भी अधिकार है बच्चों। इसलिए किसी भी कीमत पर नहीं भूलना। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत मेरा गंभीर अपील है। यदि थोड़ा सा भी बच्चों मेरी बात समझ रहे हो तो जरूर वोट डालने जाना, प्लीज। आप सभी से मेरा बहुत रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं चाहकर नहीं भी संस्कृत को नहीं भूल सकता हूं। संस्कृत या संस्कृति? ओके, इसका जवाब जल्दी से दोगे क्या? किसका उत्तर आ रहा है फास्ट यार, जल्दी से फास्ट बताओ। अंकुश डी, हिमांशु डी, सोनी कुशवाहा डी, अंकुश डी, और किसी का रे, और अर्चना डी, शालिनी कुमारी डी। ओके 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 ओके, सुरुचि शर्मा डी, अर्चना कुमारी डी। चलो वाह, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, उसके बाद चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बना सकते हो ये बताना है, कौन सा नहीं बना सकते हैं, है ना? नहीं बनाने वाला तुम लोग क्या बोल रहे हो? डी, हम डी को ही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। एम आई एन डी, एम तो है, आई भी है, एन भी है, डी है। अरे माइंड तो बना सकते हैं, डी, सॉरी सॉरी डी डी डी, ओ डी मतलब ये एम आई एन, एम आई एन हाँ है। आई डबल बार होना चाहिए, क्या आई डबल बार है? हाँ डबल बार है। क्या एस है? एस है। टी है? टी भी है। ई है क्या? ओहो, ई नहीं है तो कन्फर्म आंसर। जब ई है ही नहीं तो फिर वर्ड कहां से ई वाला बना सकते हैं? इसका मतलब आपने सही जवाब दिया, शाबाश बहादू। चलो अगला क्वेश्चन, ऐसे ही फास्ट एकदम क्लिक करो जल्दी से, इसको बनाओ, इसको इसको इसको, 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 इसको। लेटर सीरीज को पकड़ो और उत्तर लगाओ। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरक करेगा? यहां भी खाली स्पेस है बच्चों, ध्यान देना। हियर इज ऑल्सो स्पेस, वहां भी स्पेस है लास्ट में, वहां भी स्पेस है लास्ट में। और इसका जवाब दीजिए आप लोग सभी। हो ला 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 ला। अरे पकड़ लिया उत्तर फास्ट, सोनी कुशवाहा। ए वाह रे सोनी, शाबाश, बहुत फास्ट चल रही हो रीजनिंग में तू। रेनबो, अर्चना कुमारी विद्या, अर्चना कुमारी विद्या, निधि सिंह, ओके, इन सभी बच्चों का ही आया उत्तर। ए के बाद होना क्या चाहिए यार? ए के बाद होना क्या चाहिए? ऐसा लग रहा है ए के बाद एन दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसी संभावना मुझे लग रहा है कि ए के बाद एन होना चाहिए। और एन देखो ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है, मेजोरिटी भी उसी का है, तो इसकी संभावना है कि ए के बाद क्या होना चाहिए। चलिए रख देते हैं फिलहाल, नहीं सेट करेगा तो मिटा देंगे, इसमें क्या दिक्कत। तो यहां से क्या हो रहा है? ए एन डी। अब डी के बाद देखा जाए तो यहां से पता चल रहा है कि डी के बाद एम आना चाहिए, तो डी के बाद एम रख दे तो यहां एम रख दिया जाए बच्चों। अब थोड़ा सा लंबा सीरीज चला तो यहां से देखते हैं क्या यही सीरीज है, क्या यही रिपीट हो रहा है। पकड़ो तो ए एन डी एम रिपीट, ए एन ओ नहीं हुआ ना, ए एन डी एम, ए एन डी एम, ए एन डी एन कहां हो रहा है, कहां? ए एन डी एम ना, फिर ए एन डी, डी के बाद एम ना, नहीं पकड़ा रहा ना, नहीं पकड़ा रहा है बच्चों। तुम लोग कैसे पकड़ लिया बताओ तुम लोग, अरे क्या हो गया यार, पूरा एक साथ लिया जाए। अच्छा लंबा सीरीज आगे खींचा है तब इसका मतलब, आगे देखो तो यहां से चला जाए ए एन डी एम ए एन, यहां तक आया ए एन डी एम ए एन,
ANDMAN, ओके यहां तक रिपीट, ANDMAN यहां से रिपीट हो रहा है बच्चों, फिर ANDM और AN, यस। तो कौन सा जा रहा है बच्चों, NMAD NMAD NN, ए नंबर जा रहा है, यस। बच्चों को उत्तर भी ए था ना, बच्चों की उत्तर ए था, वाह शाबाश, बहुत कमाल। चाहूंगा मैं तुझे, चलो देखते हैं किसका निर्णय ठीक ठाक है। ये सब रीजनिंग बताओ तो पता चले कि तुम्हारा थाउट कैसा है, तुम्हारा विचार कैसा है, तुम्हारा विचार कैसा है, बना के दिखाओ। है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, हो बिन गहने और श्रृंगार बिना, हो सोनी कुमारी, सोनी कुशवाहा करिए डी, अंकुश का भी डी आ रहा है, रेनबो डी, संतोष कुमार मंडल भी डी, वाह कमाल, शुभम डी, मोहित राजपूत हैं वो भी डी बोल रहे हैं, वाह शाबाश। और कोई बच्चों, मतलब सभी का विचार तो शानदार है, गजब के थाउट हैं आप सभी के, फिर तो मान गए आप सभी को, सच में मान गए। देखो कथन पालक आता है कि 27 वर्ष के कारावास ने मेहर कलाल को राष्ट्रपति बनाया, 27 वर्ष का उसे जेल मिला और कहता है ये जेल ने उसे क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। धारणाएं जरा पकड़िए, कहता है जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, गजब। अरे हो सकता है वो गलत तरीके से 27 वर्ष जेल में रह गए होंगे, गलत तरीके से 27 वर्ष जेल में रह गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, निर्णय गलत हो गया होगा, कोई गलत आरोप लगा दिए होंगे, आरोप सिद्ध होने में 27 लग गया होगा, है ना, बड़ी होने में, तो ये जरूरी नहीं है। और यही गलत तरीके से जब उसको डाला गया तो लोगों को और जो है भावनाएं बह गई होगी, इन्हें राष्ट्रपति बनाना है, तो ये कोई जरूरी बात नहीं है कि 27 वर्ष जो जेल में रहेगा गुंडा रहेगा तो गुंडे राष्ट्रपति बनेगा, रे हाँ, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, गजब। राष्ट्रपति बनना हो तो जेल जाना जरूरी है, राष्ट्रपति नेता उता बनने के लिए जरूरी है, राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं, यानी कन्फर्म आंसर कौन सा, डी। अरे डी तो दिख ही नहीं रहा मुझे, ना तो एक और ना ही दो, बिल्कुल सही है, डी में क्या था, ना तो एक ना तो डी, इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, डी, नीचे चला गया, देखो ना डी, दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये रहा देखो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा, इतना शानदार इतना प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से बना दो तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है बच्चों, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। माँ बच्चों को, माने माँ से बच्चा, तो बादल से क्या होगा, बादल से बारिश, बादल से बारिश, वेरी सिंपल, नो टेंशन। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को पता नहीं क्या लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाए, जरा बताओ सोच के उत्तर क्या होना चाहिए, जरा बताओ ना, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ उत्तर, बताओ व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द आंसर। प्यारे बच्चों जितने भी जुड़े हो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों कंसंट्रेट होकर रीजनिंग को एकदम टारगेट करो और बनाओ। बहुत सारे बच्चे का उत्तर तो आ गया है, विद्या का उत्तर आ रहा है, नहीं बच्चों, सुरुचि सिन्हा, संतोष कुमार मंडल, सभी बच्चे का ये, तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर होना क्या चाहिए, इसका उत्तर होना क्या चाहिए बच्चों। तो देखो M का कोडिंग क्या कर दिया, O, पता चला, अच्छा यहां से लगा होगा M के बाद N होता है, N छोड़ के O चला गया, कोई बात, लेकिन A के बाद W चला गया, कुछ आता पता ही नहीं चल रहा है, इसका कोडिंग उल्टा गया है। M का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 13, क्या होता है 13,
और क्यू का वैल्यू कितना होता है 17। यानी इसका फर्स्ट का लास्ट कोडिंग चला गया है, ऐसे कोडिंग किया है। पहला का कोडिंग किसके साथ? लास्ट के साथ। तो M का 13 है, तो 13 में 4 जोड़िए तो कितना हो गया 17। पकड़िएगा, S का वैल्यू 19 होता है, 19 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। 23 मतलब बच्चों W, लास्ट में W होना चाहिए, एक ही से पकड़ा रहा है। और भी आप पकड़ना है तो देख लो, A का वैल्यू क्या है 1, और यहां क्या हुआ लास्ट से इधर, यानी यहां शुरू से और उसका कोडिंग लास्ट से। तो यहां E की जगह क्या है 5, 4, यानी 4-4 जोड़ता गया, ऐसा ही लग रहा है। आप यहां भी चेक कर लो, U का वैल्यू होता है 21, 21, 4, 25, 25 मतलब Y, तो W के बाद Y होना चाहिए। तो सारे लेटर वेरीफाई हो रहे हैं और पहला ही लेटर से पकड़ मारा है, तो अन्य को चेक करने की जरूरत भी नहीं होती है, डायरेक्ट उत्तर आपको लगा देना चाहिए। यस बच्चों, और चलिए अगला प्रश्न बनाइए। हो श्याम सुंदर हे रंग तेरा, श्याम सा सुंदर है रंग तेरा, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। श्याम उत्तर में कितना चलता है बच्चों 7 किलोमीटर, फिर वो अपनी दाई ओर मुड़ता है, दाई ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाई मुड़ के 3 चला, वह फिर से अपनी दाई मुड़ता है, यहां से दाई मुड़ेंगे नीचे उतरेंगे, दाई मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, अगेन यहां आके रुक जाएगा। कहता है बताओ अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अपने प्रारंभिक बिंदु, ये था प्रारंभिक बिंदु, पहुंच यहां चुका है। कहता है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो मुझे तो लग रहा है बच्चों पश्चिम दिशा में, सॉरी ये पूर्व है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों ए नंबर, प्रारंभिक स्थान से, अरे पूर्व दिशा में ना, इससे इसकी तुलना करोगे तो ये पूर्व दिशा में जा रहा है, राइट, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। चलो जल्दी से वर्ड को छांटो, क्या शब्द का ज्ञान है, हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हो, बिहार और यूपी हरियाणा ये सभी तो हिंदी ही है ना, है ना, मध्य प्रदेश सभी क्या है बच्चों हिंदी भाषी क्षेत्रीय, नॉर्थ इंडिया कंप्लीट हिंदी, हमारा दिल्ली राजधानी हिंदी है कि नहीं है, इसलिए हम सभी बहुत अच्छे, राजधानी तक पकड़ है ना, ओके शानदार आंसर। देखो इसमें कहा विषम को ढूंढना है, किसको ढूंढना है विषम, जो डिफरेंट हो उसे पकड़ना है, तो विषम को पकड़ो ना, दुख उत्पीड़न दोनों बात एक ही जैसा नहीं, सैनोनिम समानार्थक, मिलता जुलता नहीं लग रहा है, हाँ मिलता जुलता लग रहा है, परेशान भी जब हो जाए तो दुख में ही रहते हैं, लेकिन तोड़फोड़ तो बिल्कुल अलग चीज, ये तो गुंडागर्दी हो रहा है, तोड़फोड़ मतलब गुंडागर्दी, आंसर कौन सा डी नंबर, डी डिफरेंट है बच्चों याद रखना, डी डिफरेंट होना चाहिए। चलिए 28वां प्रश्न पर आ चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बनाना है और आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, फास्ट जल्दी इस सीरीज को पकड़िए, आप सभी को वक्त भी थोड़ा सा मिलेगा सोचने के लिए, और ढूंढिए और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढने से क्या नहीं मिलता है, खोजे ही तो तुरत ही मिली है। इतनी दूर हम इतनी दूर है, ओ चंदन तेरा गाँव हो, इतना अपना लगने लगा है, कोई बुलाए तेरा नाम हो, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, हो नहीं तेरा नाम हो, अब ही तो हमारी है। बड़ा क्या किसी बच्चों का उत्तर आ रहा है डी, अंकुश डी, वाह सोनी कुशवाहा डी, हाँ सोनी प्लीज एक्सप्लेन, सोनी कुशवाहा आपसे मेरा प्रश्न है, अब लो मैसेज ही डिलीट मार दूं तो, अरे सोनी कुशवाहा का एक मैसेज आया था, मैंने जैसे ही पूछना शुरू किया तो मैसेज डिलीट कर दिया, एक डी है सोनी बताओ एक्सप्लेन इट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट,
Can you please explain how your answer is D? That's directly question to you. And if you reply me very properly, definitely I will be proud of you. So please explain your answer. It doesn't matter what did you click. The matter is that how did you click? It doesn't matter which option do you select. The matter is that how did you select? बताओ बताओ सोनी, हिम्मत करो एक्सप्लेन करने का. उत्तर आया तो कैसे आया? क्या रूल आपने लगाया मैं भी जान लूं? ला 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 ला. चांद तारे फूल सबनम. बताएंगे मिस्टर क्या रूल है? रूल कुछ यूनिक है ना? रूल कुछ यूनिक है. कुछ यूनिक रूल क्या है? देखो एक चीज तो आप सभी बच्चों को भी ये हम बता दें कि कुछ बच्चे जैसे रीजनिंग आपको सपोज करिए 20 मिल रहे हैं, तो 20 में कुछ दो रीजनिंग ऐसे हो सकते हैं बच्चों जो आपको उलझाएगा थोड़ा देर के. अब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि दो क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरा लगे रहे और जो 18 बनना था उसको हम गवा बैठे. क्या बच्चों ये बुद्धिमत्ता नहीं है? यकीन मानो रीजनिंग में एक दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको उलझाएगा. खास करके कुछ कुछ ऐसे सीरीज भी मिलेंगे जो आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा किस तरीके से है. तो दिमाग क्लिक कर गया, उसके लिए एक प्रॉपर जो टाइम देना चाहिए उतना ही टाइम दीजिए. समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो स्कीप करना ही बेहतर है बच्चों, है ना? तो चलिए देखते हैं इसका क्या रूल होना चाहिए. देखो क्या लिख रहे, बहुत ज्यादा गिचपिच है सर. क्या गिचपिच लग रहा है थोड़ा? देखो 2.3, 15.9, 79.6, 423, 2574 गिचपिच है. दिमाग नहीं लग रहा है तो गिचपिच है. देखो बच्चों 2.3 में क्या करो ना, 3 गुना करो और उसमें 3 का स्क्वायर जोड़ो तो शायद मिलता है क्या अगला? यस सर. मिलता है. 69 देखो 6.9 और उसमें 9 जोड़ो तो 15.9 मिल गया ना. ये मिला. अब गौर करना यहां से यहां कैसे चलेंगे. तो 15.9 में इस बार 4 गुना करना और 4 का स्क्वायर जोड़ना. यस सर. करके देख लो, बस एक हम कर देते हैं उसके बाद तो सीरीज पकड़ में आ ही गया. तो बच्चों 4 नंबर 36, बाकी 3, 4 पचे 20, 3 23 और ये कितना बच्चों सही है ना? और प्लस इसमें जोड़ना है कितना? 16. गड़बड़ हो गया क्या? ओहो, हाँ एक अंक के बाद ना, पॉइंट गलत जगह बैठा दिया. 63.6 एंड प्लस 16 तो ये हो गया कितना? 79.6. मिल रहा है? देखो मिल रहा है बच्चों. क्या गजब का है, क्या गजब है. मतलब गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, अब गुना 5 का स्क्वायर, गुना 6 गुना 7, यानी इसमें गुना होगा 7 और जुटेगा 7 का स्क्वायर. 7 4 28 इकाई अंक 8 और यहां 7 का स्क्वायर 9 9 8 17 इकाई अंक. आंसर डी. इकाई अंक से पकड़ सकते हैं लास्ट में. मल्टीपल 3 और स्क्वायर भी 3 का ही करना है. यस वेरी गुड. तो बच्चों ये था बहुत अच्छा, नो डाउट. सोचने के लिए थोड़ा सा जबरदस्त, क्या किया है नहीं किया है इतना दिमाग लगा. चलो इसको बनाओ. एक घड़ी दोपहर नून, दोपहर के समय यानी 12 बजे, दोपहर के समय यानी 12 बजे शुरू की जाती है. 12 बजे घड़ी को स्टार्ट किया. 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी कितना डिग्री? बस डिग्री पूछा है प्यारे बच्चों, डिग्री पूछा है. डिग्री ये कंप्लीट एक बिंदु पर एक घड़ी यहां से यहां जब जाएगा तो बच्चों 360 डिग्री का कोण बनेगा. नहीं गौर से देखो, यानी यहां से यहां का मतलब है एक घंटा की सुई 12 से फिर 12 पे जाने का मतलब 12 घंटा. 12 घंटे में कितना डिग्री बच्चों? 360 डिग्री. समझ लो थोड़ा. तो एक घंटा बराबर बताओ कितना? 30 डिग्री. एक घंटा में कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री. एक घंटा का मतलब होता है बच्चों 60 मिनट. कितना? 60 मिनट्स. एक घंटा है ना, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाता है? 30 डिग्री. या यूं कहें एक घंटा में घंटे की सुई कितना डिग्री? चलो 12 से लेकर 4 तक में कितना बजा? 12 से 1 एक घंटा, 2 2 घंटा, 3 3 घंटा, अरे 4 4 घंटा. तो 4 घंटा और कितना? 10 मिनट. तो 4 घंटा में कितना डिग्री?
तो 4 घंटा में 4 × 30 = 120 डिग्री, और 10 मिनट में कितना डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, हाँ है ना, ये इधर 1/10 हिस्सा है, 1/10 इधर भी 1/10 ना, सॉरी 1/6 इधर भी 1/6, दैट इज व्हाट 5 डिग्री, राइट बच्चों। अरे 10 और 60 में रिलेशन देखो ना रे, 1/6 का नहीं है, इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 6 से डिवाइड कर दिए, तो 10 मिनट में 5 डिग्री से 5 डिग्री और जोड़ दीजिए, तो 120 + 5 दैट इज 125 डिग्री का मूवमेंट हो जाएगा, कितने डिग्री का, 125 डिग्री का, राइट। तो चलिए लास्ट एक प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर एक और आ रहा है, और इसे बनाइए और देखते हैं कौन कौन सही जवाब देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में और बड़ा कर दूं, यदि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो लीजिए। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल, टिके हैं डटे हैं तो जरूर बनाइए। ये सामशितानी जीवन यानी जानी छाया झूठी माया। झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढो सुख के सब साथी, दुख में न को। उत्तर आ गया बच्चों का, शाबाश, आना शुरू हो गया। निक्की कुमारी 125, अरे किसका उत्तर दे रही है, अंकुश डी, विद्या डी, राहुल कुमार पंडित डी, वेरी गुड, ओके शाबाश। और किसी बच्चे का, नो एंड नेवर, चलो अब नहीं तो अब कब, अब इस सवाल को बनाए जाना बच्चों। चलिए देखते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें सीरीज दे रखा। कहता है रोहित और सुरेश, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, बस इतनी सी बात पूछा है, रोहित का संबंध सुरेश से बताना है, गजब है। लेकिन घुमा फिरा के बहुत बातें बकवास कर रखा है, बहुत बकवास किया है, कोई सस्ता रास्ता नहीं ढूंढ सकता, ढूंढ सकते हम। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, और हमें जाना है रोहित तक। रोहित कहता है रानी के भाई का बेटा है, गजब है। चलिए कोई बात नहीं, सारे रिश्ता को कनेक्ट करते हैं, क्या बच्चा, क्या सारे रिश्ते को कनेक्ट करना ही पड़ गया है ना, या ऐसे भी काम चलेगा। सुरेश की बहन, चलो कोई बात नहीं, सुरेश है, सुरेश है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन जो है वो कौन है, राम की पत्नी है। सुरेश की बहन जो है वो राम की क्या है, पत्नी है। राम की कौन है बच्चों, समझना, वाइफ, राम की वाइफ और इसकी बहन, ओके, मतलब राम का साला है। yes, सुरेश कौन हो गया, राम का साला, राम का साला। आगे बढ़ो, राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर, फादर हो गए मधुर। शीतल राम की दादी है, हुँ? राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, यानी इसकी माँ, इसके पिता की माँ ना, कौन, शीतल, 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 चलो अंग्रेजी में लिख दिए शीतल, ओके शीतल हो गई इसकी माँ, इसके पिता की माँ यानी इसकी दादी। रेमा शीतल की बहू है, ओहो हो, यानी इसकी माँ, मतलब इसकी वाइफ, इसकी वाइफ कौन, रेमा, रेमा जो हो गया बच्चों, कौन हो गया, इसकी वाइफ, हाँ है ना। अरे इसकी पुतोहू, बहू, बहू मतलब इसके बेटा की कन्या, बेटा की वाइफ, पुतोहू हो तो गया। अब आगे चलिए, फिर क्या कहता है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी, रोहित रानी, रोहित रानी के भाई का बेटा है, कहा, अच्छा एक डाटा छूट रहा है, वही तो हमको लग रहा है, कहाँ छूटा बच्चों, हाँ हाँ यहाँ ये वाला डाटा मैंने छोड़ दिया था ना, वही तो हमको लगा, अब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हम।
हमको लगा ये कनेक्टिंग इंडिया कहाँ गायब हो रहा है दिमाग नहीं काम कर रहा, लिंक कहाँ से जुड़ गया। राम रानी, हाँ फ्लाइट मोड में जा रहा था यार लास्ट क्वेश्चन में। राम रानी का भाई है, राम जो रानी का भाई है, रानी का भाई है भाई। ओके भाई, देखो इतना सारा रिश्ता है यार, अब पता करना है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। रोहित, रोहित कौन हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये लाइन लास्ट छूट रहा है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई का बेटा, इसका बेटा है, यानी राम का बेटा हो गया कौन? रोहित। बाप रे, इतना सारा रिश्ता, पता करना है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित। रोहित का रिश्ता देखो ना कैसे एकदम शॉर्ट में, नीचे से यदि लेते ना तो, लेकिन फिर भी कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता ना। चलिए कोई बात नहीं, देखो यहां से बगले में रिश्ता, राम का बेटा रोहित, यानी रोहित का ये बाप, रोहित का बाप, बाप का साला मामा कहलाता है। अरे इसकी बहन, इसकी वाइफ का ये भाई है ना, तो सीधी सी बात है, ये जो है सुरेश राम का हो गया साला, तो राम का बेटा बाप के साला को तो मामा ही बोलेंगे ना। तो पूछा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंध है। रोहित का संबंध किससे बताना है? सुरेश से, भांजा। किसका बच्चों? भांजा। सभी बच्चों का आंसर डी आ गया था सच में? अरे वाह, मतलब गजब, कभी कभी दिमागी लोग का हिट कर जाता है या नहीं? ओ तो जो भी हो, कुछ बच्चों को उत्तर तो आ ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी बच्चों को जिसने लाइव क्लास हमारा साथ टिल लास्ट तक दिया, और इतने देर में आपने 30 प्रश्नों का अभ्यास भी किया, कुछ प्रश्न सीखे भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो हमारा साथ नहीं दिए वो तो और भी बहुत कुछ सीखे होंगे, ये तो आपको पता ही है, तो कोई बात नहीं, आप जरूर सीखिए। और एक सिलसिला नौकरी का बढ़ चला है, क्योंकि बिहार में एक ऐसा नेता उभर के सामने आ रहा है जो किसी की बात नहीं करता है, वो सिर्फ नौकरी की बात करता है। इसलिए आप तमाम युवा से मेरा अनुरोध है कि किसको वोट दीजिए ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस बार कोई ऐसा बच्चा ना छूट जाए जो वोट का चोट ना दे इस बार, और यदि इस बार चुके तो सच में मेरे नजर में तो आपसे जैसा बेकार इंसान कोई नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपको देश की परवाह नहीं है। देश की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि आपको खुद की परवाह नहीं है, और खुद की परवाह नहीं है तो आपको परिवार की परवाह कहां से होगा बच्चों। तो चुनाव का माहौल है, इस माहौल में अपने आप को बच्चों चुनने का मौका है, उसके बाद 5 साल तक फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो क्यों ना देश में अच्छा नेता भेजा जाए, क्या चयन करने का मौका है, चुनने का मौका है, और अधिकार हम सभी के पास है। तो उस अधिकार का यदि अब तक यूज नहीं किए हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर जाइए और नेता को चुनिए। जैसा कि एक नेता का बयान आया है, वो क्या आया है वो आप लोगों को बताएंगे, है ना। जैसा कि किसी बच्चे ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि नौकरी का भरमार लाने वाला है ना। और स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15th of August। 15th of August के बाद नौकरी की भरमार। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी तैयारी एकदम चरम सीमा पे रखो कि बच्चों चुनाव खत्म होगा, वैकेंसी धनाधन शुरू होगा, और इसलिए भी शुरू होगा क्योंकि 24 के बाद 25 आता है, और 25 में अपने ही बिहार में विधानसभा का चुनाव है, है ना। मुख्यमंत्री हम सभी को चुनना है, और मुख्यमंत्री तो देख ही रहे कैसे कैसे हैं, है कि नहीं। कभी कहते हैं 4 लाख हमको चाहिए संसद, कभी कहते हैं 4,000, गजब गजब भाषण देते हैं मंच से, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। कोई बात नहीं है, इन सभी के बारे में बातचीत ज़्यादा लाइव क्लास में नहीं करना है, लेकिन आप सभी समझदार हैं तो बच्चों इस बार कम से कम वोट जरूर डालने जाइएगा, इतना मेरा गुजारिश है आप सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, हैव ए नाइस गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।